सी आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे ट्रैक फैम स्पीकिंग में, क्योंकि कार्ड्स तो हमने बड़े सारे लिखे भी हैं, पॉइंटर्स भी बनाए हैं, बट एग्जाम में तो खुद से ही करना है. इट इज़ ओनली अ सपोर्ट आई एम गिविंग यू इन द क्लास एंड दिस सपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. नाउ जस्ट टेल मी वॉट इज द वे टू डिवेलप द आइडिया ऑफ द कार्ड. कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखते हैं? अभी कार्ड है जॉब, वो क्वेश्चंस पूछ रहा है इसमें व्हाट टाइप ऑफ अ जॉब यू वुड लाइक टू डू. दोनों कार्ड्स कवर हो जाएंगे, C3 का भी और जो मैं बोल रही हूँ. व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू विश टू डू, व्हाई वुड यू लाइक टू चूज दिस जॉब. देन अनदर क्वेश्चन इज आर यू केपेबल ऑफ दिस जॉब. ओके, देन अनदर क्वेश्चन इज दैट सिंस व्हेन डिड यू एम फॉर दिस जॉब. इज इट क्लियर? अब ये कार्ड एक पर्सनल प्रोनाउन का कार्ड है जिसमें वो यू लगा रहा है. यू, यू का क्या मतलब है? ओपिनियन नहीं, यू का मतलब है वो आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहा है. क्या आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या आप में एबिलिटी है, या ये जॉब के बारे में आपने कब से सोचा. नाउ टू टच 8.5 to 9 इन स्पीकिंग्स, 8.5 से 9 स्पीकिंग में लेने का एक तरीका है एंड इट इज़ अ रियल रियल टेक्निक फॉर योर स्पीकिंग्स. आपने बड़े रिजल्ट्स देखे हैं बच्चों के, इतना स्कोर आता है. हाउ डू दे गेट द स्कोर? यू शुड बी वेरी अवेयर, हाईली अवेयर दैट हाउ टू डिवेलप द कार्ड. कार्ड्स को डिवेलप कैसे करते हैं? ये कार्ड है जॉब, सर्कल बना दो. कार्ड को सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन इन 3 to 4 लाइंस. जब हम कार्ड को डिफाइन करते हैं ना 3 to 4 लाइंस, इसका बेनिफिट है कि एग्जामिनर का थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है आप बोलना क्या चाहते हो. एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर स्पीकिंग and this is known as the background or the environment of the card. Is it clear? अब जैसे ये कार्ड आपको जॉब का आता है तो आप बच्चे 90% शुरू क्या करते हैं? जॉब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ. आर लाइफ कर दिया, वो भी गलत है. विदाउट जॉब वी कैनॉट सर्वाइव, वो भी गलत है. जॉब, एवरीबडी डज जॉब, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू जॉब. आई हैव डन मैनी जॉब्स इन माई लाइफ. सब गलत है. गलत का ये मतलब है कि 5 बैंड्स हैं, क्योंकि वो हमारा टारगेट ही नहीं है. जो टारगेट नहीं है वो गलत है. यू आर हेयर टू टच दिस स्कोर. नाउ व्हेन यू विल डिफाइन व्हाट इज जॉब, बिकॉज द स्पीकिंग नीड्स टू बी प्रोफेशनल, स्पीकिंग नीड्स टू बी लिटिल मैच्योर. अब आइल्स का पेपर है, उसमें गारंटी तो नहीं है कि सारे प्लस टू वाले पेपर देंगे. एक प्लस टू वाला दे रहा है, एक डॉक्टर दे रहा है, एक इंजीनियर दे रहा है, एक मैं भी दे रही हूँ, सब लोग दे रहे हैं. तो एग्जामिनर के दिमाग में तो वही चीज़ फिट होगी ना जो बेस्ट है. अग्री? यू हैव टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड. दे विल नॉट फॉल डाउन एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक सिंपथी कि मैंने प्लस टू करी हुई है. इज इट क्लियर? अब प्लस टू वाले ने कभी जॉब करी नहीं है, लेकिन कार्ड तो नहीं बदलेगा. जब कार्ड नहीं बदलेगा तो इसका मतलब बोलना पड़ेगा. कार्ड इज बेसिकली एन इमेजिनेशन, इट इज योर इमेजिनेशन ऑफ द थॉट. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन जॉब? जॉब होती क्या है? जॉब इज बेसिकली, आप स्टार्ट कर सकते हो, जॉब इज एन अर्निंग विदाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड पीपल डू द जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. इज इट क्लियर? दिस इज़ अ स्टार्ट. कि जॉब वो चीज़ है जिसमें हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन हम पैसे कमाते हैं. यू वॉन्ट टू राइट डाउन? थोड़ा समझ लो, बाद में लिखना. जॉब इज एन अर्निंग विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड पीपल दे डू द जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल चॉइसेस. इज इट क्लियर? नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉब्स आर इन योर कंट्री?
जॉब्स हैं आपकी कंट्री में? टू. कौन कौन सी? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? इसके ऊपर हम 3 to 4 लाइंस बोल सकते हैं. प्राइवेट जॉब्स दे आर मोर चैलेंजिंग, दे आर ओपन फॉर योर टैलेंट, बट पीपल प्रेफर गवर्नमेंट जॉब्स इन माई कंट्री बिकॉज दे आर मोर सिक्योर एंड मोर सेफ. इज इट क्लियर? इसमें मत बोलना शुरू हो जाना है कि जॉब मिलती नहीं है. ऐसा कुछ नहीं करना हमने कि आप वहाँ पे अपनी बातें करनी शुरू हो जाओ, सर आई वांट अ जॉब बट आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, तो वो उल्टा चला जाएगा कार्ड. यू हैव टू स्टिक टू द कार्ड ओनली. ओके, देन द कार्ड स्टार्ट्स. आई एम अ स्टूडेंट. जिस चीज के भी आप स्टूडेंट हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर आप 3 लाइंस बना सकते हो. बना सकते हो ना इतना तो? ओके, फिर यहाँ पे आप आओ. माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी आपका इनमें से फेवरेट सब्जेक्ट है. लाइक यू से आर्किटेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ड्रेस डिजाइनिंग में है, मैथ्स में है, फिजिक्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको अच्छी लगती है, जिसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट्स इन 2 to 3 लाइन्स. क्लियर? बिकॉज योर जॉब हैज टू बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. फिर उसके बाद आओ, आई विश टू डू जॉब इन ये वाले सब्जेक्ट की फील्ड में. अब मेडिकल जिसके पास है वो क्या बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है. कॉमर्स जिसके पास है वो क्या कर सकता है? अकाउंट्स कर सकता है, सीए कर सकता है. ये मत बोलना कि मैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. अगर आपके पास आर्ट्स है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि एग्जामिनर प्लस टू पास नहीं है, उसको पता है. तो हिसाब का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना. ओके, तो यू टॉक अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड यू कैन टॉक दैट आई वॉन्ट टू डू जॉब इन दिस फील्ड. बट एक चीज़ है, जो प्लस टू का बच्चा जॉब नहीं कर रहा, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो, सर इन फ्यूचर आई विश टू डू जॉब इन दिस फील्ड. कार्ड की ट्विस्टिंग इज इन योर हैंड, टाइमलाइन इज इन योर हैंड, कि हमने उसको घुमाना कैसे. ज़रूरी नहीं है वो जॉब आप कर ही रहे हो, आप कर भी सकते हो. और जो कर रहे हैं वो कह सकते हैं दैट आई एम डूइंग अ जॉब इन दिस मल्टीनेशनल कंपनी. इज इट क्लियर? फिर उसके बाद उसने पूछा कि व्हाट इज योर एबिलिटी, क्वालिटी क्या है आपकी जॉब करने में. यहाँ तक हमने फेवरेट जॉब का बोला, नाउ व्हाट इज योर क्वालिटी. आई एम, क्वालिटी में 3 एडजेक्टिव्स चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर को हर चीज़ ग्रामेटिकली फुलफिल करनी है. हमें ग्रामेटिकली में टेंसेस फुलफिल करने हैं कि हम पास्ट में हैं, प्रेजेंट में हैं कि फ्यूचर में हैं. अब क्वालिटीज़ में क्या चीज़ फुलफिल करनी है? एडजेक्टिव्स. तो व्हाट आर योर क्वालिटीज? हार्ड वर्किंग सबने बोलना है. और बोलो, व्हाट आर योर क्वालिटीज फॉर दिस जॉब? आई एम एन ओपन लर्नर. वोकैबुलरी वर्ड्स वो ढूंढो जो कॉमन नहीं है. आई एम एन ओपन लर्नर, कि मैं हर वक्त सीखने के लिए तैयार हूँ. आजकल की हर जॉब में ये चीज़ चाहिए. आई एम एन ओपन लर्नर, आई ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड माई सेल्फ. देन यू कैन टॉक अबाउट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई वैल्यू माई टाइम, आई फिनिश माई वर्क बिफोर माई डेडलाइंस. हार्ड वर्किंग, पंक्चुअलिटी, ठीक है ये वर्ड्स, लेकिन यहाँ नहीं ना पहुँचते. दिस इज द टारगेट, ऊपर जाना है. सो यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड. हार्ड वर्क की जगह आप डिलीजेंट बोल दो. आप ये वाली क्वालिटीज अपनी बोल सकते हो. उसके बाद, सिंस व्हेन आर यू ड्रीमिंग ऑफ दिस जॉब, कब से सोचा है ये जॉब करनी है? ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. एम बनता है ना, टीचर्स पूछती हैं व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन फ्यूचर. तो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, सिंस माई स्कूल डेज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ टू दिस पोजिशन, फॉर दिस जॉब. फिर उसके बाद, वॉज दिस जॉब इजी?
ये जॉब इजी है जो करना चाहते हो? नो नो, दिस इज नॉट इजी. आप नो पे अगर बात खत्म कर दोगे तो यहां नहीं पहुंचोगे. नो के बाद यू हैव टू गिव अ रीजन. रीजन मींस यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ. इससे पहले कि वो आपसे वाई पूछे, आप खुद बताओ उनको, सॉरी सर, नो से बेटर वर्ड होता है सॉरी. सॉरी सर, इट्स नॉट एन ईजी जॉब बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई एंड आई एम रियली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर इट. मेक द कार्ड नेचुरल एंड मेक द कार्ड वेरी क्लियर. मेक द कार्ड दैट इज ऑनेस्ट टू यू. अननेसेसरी उसको इतना ज़्यादा मत बढ़ा दो कि गलत हो जाए. अब एक बच्चे ने जस्ट फ्यू डेज बैक आई वॉज कंडक्टिंग द स्पीकिंग, तो एक बच्चे ने बोला कि माई ग्रैंड फादर इज इन आर्मी सो आई विल ऑल्सो बी इन आर्मी, आई विल गिव अप एवरीथिंग, आई विल ज्वाइन आर्मी. तो क्वेश्चन क्या बना आगे कि सर वाई यू आर यू प्लानिंग टू गो टू कैनेडा? बना ना. आपने जो भी कार्ड बोलना है सोच के बोलना है कि सपोर्टिव क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो. इफ़ यू डोंट हैव अ बैटरी बैकअप, अगर आपकी बैटरी जैसे मोबाइल में ख़त्म हो जाती है तो वो नहीं चलता. अगर आपके पास रीजनिंग नहीं है तो आपके बैंड्स नहीं है. फिर आप बाहर आके क्या बोलते हो कि मैम उसने तो बड़ी वाई पूछी. वो तो पूछेगा ही जब उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा. वेदर इट इज़ येस और नो, इट शुड बी सपोर्टेड. Your arguments should be supported. And remember one thing, when you are making a track fan, खुद से आज घर पर जाके दो track fans बनाना, class में ही बना लेना, फिर discuss कर लेंगे. आप track fans बनाना, आप देखना आपके पास कितने ideas आते हैं. ये card अब समझ में आया है ना पूरा? It's very clear. और ये material अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारे पास 2 minutes से ज़्यादा का material है ही है. When you are lacking in content and material, remember one thing, you tend to have more pauses. बड़ा डरते हो ना कि मैम मेरे pauses आ गए. Pause क्या होता है? रुक जाना और लंबा रुक जाना कि सोचते ही रह जाना कि मैं करूँ क्या. उतने में nervousness आ गई, घर डर गए, teacher भी irritate हो गई, score उड़ गया. तो content अगर आपके पास strong होगा ना, ideas अगर आपके पास strong होंगे, तो आई कैन बेट अपॉन कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 5 bands में आएगा. दिस इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग्स. मैं आपको बता रही हूँ, आपको लिखवाती भी हूँ, बट योर आइडियाज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब यहाँ पे आपने फिल करना है कि किस चीज़ के स्टूडेंट हो, उसी को सब्जेक्ट आगे लेके जाना है, उसी की जॉब लेके जानी है. तो ये क्या हो गया? दिस इज़ नोन एज कनेक्टिविटी ऑफ कार्ड. जब कनेक्टिविटी होगी तब फ्लुएंसी भी आ जाएगी. स्कोर तो तभी कटता है ना कि फ्लुएंट नहीं है. अब पता ही नहीं है बोलना क्या है तो फिर क्या ही करेंगे हम? देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. एम आई क्लियर? एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क एनी डाउट. इज इट फाइन? बना लो. हाँ जी पूछो कुछ. किसी ने वहाँ से पूछा कुछ? No, it's clear? Yes, ma'am. Back side? Badi dheere awaaz hai. Clear, ma'am. Okay, sir. Job karte ho? Haan. To wahan pe ye job kitne ki padegi aapko? 15,000 ki. Main kaha 15,500 ki hai shayad. Wo bhi discount nahi hai. To wahan pe aap hans ke bolo, sir, I am plus two, main to job kari nahi kabhi. Okay, bye. अगली बार मिलेंगे. तो डोंट गिव दिस आंसर. फिर तुझी बार आगे कहोगे मैं तो सच बोल के आया. वो सच का मेडल वेडल नहीं मिलना आपको. यू हैव टू डिवेलप इट. कार्ड की टाइमलाइन चेंज कर देना कि आई वुड लाइक टू डू फ्यूचर, इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू डू दिस जॉब. इज इट क्लियर? सो करेंटली आई एम प्रस्यूइंग माई ग्रेजुएशन और आई जस्ट फिनिश्ड माई प्लस टू एंड दिस इज़ माई future plans I would like to do. वो future में जब चला जाएगा तो कार्ड कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पर आप बोलोगे कि आई विश टू डू अ जॉब इन एनी ऑफ द मल्टी नेशनल कंपनीज. वंस आई एम इन कैनेडा आई विल बी प्रस्यूइंग माई करियर. तो उसमें वर्क के बेनिफिट्स भी लगा सकते हो. वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार्ड बहुत लंबा हो जाएगा फिर.
बस इसका ध्यान रखना, अगर यू है जॉब यू विश टू डू, तो यू का मतलब आएगा आपका एक्सपीरियंस. इज इट क्लियर? ये लोगों का एक्सपीरियंस उसमें मत डालना. इज इट फाइन? बना लोगे इसको? एनी डिफिकल्टीज यू हैव? नो. चलो, इन्जॉय योर लंच देन. सी यू. बाय.